नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज एंड आर्ट चैनल। आज हम मौजूद है गुरु चंबेश्वर विश्वविद्यालय के HSP लोन में, जहाँ पर MBA के बच्चों द्वारा स्प्रिंग कार्निवल 2019 का आयोजन किया गया है। स्प्रिंग कार्निवल 2019 को अगर हम आम भाषा में बोले तो इसका मतलब है स्प्रिंग के मौसम का मेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्टॉलें लगाई गई हैं। अगर हम खाने की स्टॉल्स की बात करें तो गोलगप्पे की स्टॉल है, शेक्स की स्टॉल है और सेवपूरी की स्टॉल है, और यहाँ पर गेम्स की स्टॉल भी है। और कार्निवल का मेन उद्देश्य है बच्चों में मार्केटिंग के गुणों को विकसित करना। जैसे कि हम जो क्लासेस होती है उसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को किस तरह से हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो स्प्रिंग कार्निवल के द्वारा बच्चों को समझाया गया है। जैसे कि चेन टू चेन ओनरशिप के बारे में, प्रोडक्ट के प्रमोशन के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कैसे हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की खूबी को कस्टमर को बता सकते हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो आने वाले जो हमारा समय है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर बेहतर परफॉर्म कर आम बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर एक बैंड भी बुलाया गया है। जो कार्निवल का उद्घाटन गुरु चंबेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार द्वारा किया गया। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि कब से ये तारीफ पे तारीफ करी जा रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का नजारा कि अंदर क्या क्या है, किस किस तरह की स्टॉल लगी हुई है और मंच पे किस तरह का एंटरटेनमेंट चल रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी एक जगह पर इकट्ठी हुई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं जो मार्केटिंग के पर्पज से यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? सर, आपको क्या लगता है कि जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो इस तरह से कार्निवल से कैसे डेवलप हो सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज है और वेल ऑर्गेनाइज है। इससे स्टूडेंट्स प्रतिभाओं को, टैलेंट को आगे आने का मौका मिलता है, और इसके तहत वो अपना किस तरीके से सामान बेच सकते हैं, क्या क्या वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे अपने टैलेंट से निकाली हुई है। हैंडमेड गिफ्ट के आइटम लगाई हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के गिफ्ट हैं। मैम, ये ग्लास का भी पेयर है, सिंगल ब्लैक और आपको क्या लगता है कि इससे कौन से गुण आपके विकसित होते हैं? हमने दही बापरी और मोरीतियों की स्टॉल लगाई है, इससे हमें सबसे ज्यादा जो हमने प्रेफरेंस दिया स्टॉल लगाने के लिए, वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे में मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हुए हैं। हमें थिंग्स मैनेज करनी आ गई कि कैसे कम कॉस्ट में हमें लेना है और कैसे हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है, और मतलब कहाँ कहाँ से हम सेव कर सकते थे और कहाँ कहाँ से हम कैसे हमारे को रेट सेट करने थे, प्राइस सेट करना था। ऐसे ही अपने शहर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल न्यूज एन आर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन